आज हम बना रहे हैं मशरूम मटर। हमने इधर बनाने के लिए रख दिया, इधर कढ़ाई में हमने घी गरम करने के लिए रख दिया। ये हमने बारीक, आप देख सकते हो नारियल बहुत अच्छा बारीक पीस लिया है। आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी। तो जैसे ही घी गरम होता है तो इसको हम भून लेंगे। ये कम से कम आधा किलो है जो हमने इसका बुरादा बनाया है। घी गरम हो गया था तो मैंने गैस को बंद कर दिया था क्योंकि ये हमें धीमी गैस पे ही भून ली है। इसको हल्के हल्के उससे भूनेंगे और फिर ये अपना थोड़ा सा घी छोड़ना शुरू कर देगा। इसे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं नारियल के लड्डू। और ये मेरा प्यारा सा बेटा है जो कि हमेशा लड्डू खाने का बहुत शौकीन है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इसकी। और मेरा बेटा असली नोटों से नकली नोट खरीदने की आज बात कर रहा है। खेलने के लिए इसको नकली नोट चाहिए बहुत सारे और कह रहा है असली नोट। असली नोट देना नहीं, नहीं नहीं आपने। चलिए आप जब तक बना लो आप कागज पे ना कुछ अपना, मैं जब तक आपके लिए लड्डू बनाती हूँ। हल्का हल्का ये भुनने लगे। कभी भी नारियल के लड्डू बनाते समय तेज गैस पे ना बनाए क्योंकि उससे क्या होता है उसका वो फ्लेवर नहीं आता और जल जाता है। तो धीमी आंच पे हम बनाएंगे, बहुत ही अच्छे बनते हैं। करने वालों के लिए बहुत सारा काम होता है, ना करने वालों के लिए कोई काम नहीं है। तो मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं जब मैं करती हूँ मैं। तो देखिए बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे ये पक रहा है, बहुत सुंदर। और हमने इसमें क्या डालना है, फुल क्रीम दूध मलाई वाला और वो भी एक कप। उसको भी हम डालने के बाद इसको अच्छे से सुखाएंगे बहुत अच्छे से ताकि पूरा दूध अब्सॉर्ब कर लेगी नारियल और फिर बाइंडिंग के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे, चीनी से थोड़ा सा गीलापन रहेगा इसमें तो लड्डू आराम से बनेंगे। थोड़ा सा मैं नारियल का जो बुरादा है ना हल्का सा भून के मैं एक साइड रख लूंगी तो उससे क्या होगा कि बाद में वो ऊपर से लगाने के काम आएगा ना। हल्का हल्का भुनने लग गया है, बहुत अच्छी महक आ रही है इसकी। तो इस बार मैंने 3 से 4 वैरायटी के लड्डू बनाए हैं सर्दियों में। और हलवा, हलवा तो मैं ऐसा बनाती हूँ कि दूर दूर तक बैठ जाती हूँ। बहुत ही अच्छे हलवे, वो भी 4 तरह के हलवे बनाए इस बार मैंने ना, अलग अलग वैरायटी के। तो सर्दियों में मजे तो है खाने के। तो आप देख सकते हो कि मेरा कितना अच्छा ब्राउन कलर आ गया। मैं आपको अभी एक बार दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्राउन कलर आने लग गया है इसमें। तो ज्यादा हमने इसको भूनना नहीं है, नहीं तो ये ज्यादा लाल हो जाएगा तो फिर खाने में थोड़ा सा टेस्ट भी इसका हल्का हल्का होने लग गया। अब हम इसके अंदर फुल क्रीम दूध ये मलाई वो डालेंगे। हमने रख लिया कौन से, तो आप देख सकते हो मैंने इधर रखा हुआ है फुल क्रीम दूध और मलाई काफी अच्छी इसमें इकट्ठी हो गई है। काफी मलाई यहाँ साइड में हो गई थी, मैं एक चम्मच ले लेती हूँ। काफी सारी मलाई भगवे में लग गई है ना, और मैं थोड़ा सा गैस बिल्कुल
अभी मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि कढ़ाई हो गई है काफी गर्म और इसका दूध को भी सूखने देते हैं, मावा की तरह लगेगा। और इसके ऊपर हमने सूखा दूध जो होता है ना वो या थोड़ा खोवा वो डालूंगी इसमें और उसके बाद इसमें शुगर ऐड करके तो बहुत ही अच्छे लड्डू बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। मेरे तो हाथ भी दर्द हो गए हैं, मैं शुगर ले लेती हूँ। तो बस इनमें अब मैंने शुगर डाल ली है और उसके बाद 5 से 7 मिनट इसको भूनना है। नारियल में शुगर होती है, नारियल की बना दी तो इनके बिना शुगर के निकालने हैं क्योंकि ये भी खाएंगे लड्डू ना, तो ध्यान नहीं रहा मेरे को, तो थोड़े से मैं निकाल लूंगी इसमें और फिर शुगर ऐड करके गोल गोल लड्डू बनाएंगे। बाकी की वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। ये अच्छे तरीके से बन गया, मैंने इसमें शुगर डाल दी है, चम्मच भी चाहिए आप देख सकते हो, और खोआ भी अच्छे से भुन गया इसमें। और अब इसमें शुगर डाल के 5 से 7 मिनट इसको करेंगे तो बहुत अच्छे बाइंडिंग के लिए लड्डू हो जाएंगे तैयार।